संयुक्त किसान मोर्चा की आज महत्वपूर्ण बैठक, राकेश टिकैत को आंदोलन से बाहर का रास्ता दिखाने पर भी होगी चर्चा। दोपहर 12 बजे पंजाब के जत्थेबंदियों की होगी बैठक, जबकि 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा के 40 सदस्यों की होगी बैठक। बैठक में 18 फरवरी को रेल रोको अभियान पर बनेगी रणनीति, शांति के साथ अभियान को सफल बनाने पर होगी चर्चा। किसान आंदोलन को सबसे बड़ा झटका, प्रदर्शनकारी किसान अपने घर लौट रहे हैं, किसान नेताओं में फूट से आंदोलन पड़ा कमजोर। सनातन धर्म का अपमान करने में जुटे टिकैत, हनुमान जी के बाद अब भगवान राम का किया अपमान, कहा गन्ने के भुगतान से बन जाएगा राम मंदिर। दीप सिद्धू से आज क्राइम ब्रांच और आईबी की टीम करेगी पूछताछ, सुबह करीब 11 बजे से होंगे सवाल जवाब। आज इकबाल सिंह के कोर्ट में पेशी, पुलिस करेगी रिमांड की मांग, आज इकबाल सिंह की रिमांड हो रही है खत्म। टूलकिट मामले में निकिता जैकब की अग्रिम जमानत पर अदालत आज सुनाएगी फैसला, शांतनु मुलुक को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली ट्रांजिट बेल। दिल्ली हिंसा केस में दिशा रवि के बचाव में केजरीवाल सरकार, दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को भेजा नोटिस, दिशा की गिरफ्तारी पर मांगा जवाब। दिशा रवि के बचाव में आए कन्हैया कुमार, बोले दिशा अगर दंगाइयों का समर्थन करती तो मंत्री सीएम या पीएम बन जाती। यूपीएसटीएफ को बड़ी कामयाबी, पीएफआई के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए, कई शहर थे निशाने पर। गिरफ्तार पीएफआई सदस्यों के निशाने पर थे कई हिंदू नेता, आरोपियों से 32 बोर की पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस बरामद, दोनों के पास से कई संदिग्ध दस्तावेज मिले। ईडी ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की 17 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। प्रधानमंत्री मोदी आज तमिलनाडु में तेल और गैस क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। आज पीएम मोदी नेस्कॉम टेक्नोलॉजी और लीडरशिप फॉर्म के 29वें एडिशन का उद्घाटन करेंगे, यह आयोजन आज से 19 फरवरी तक होगा। जेपी नड्डा धर्मशाला में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में होंगे शामिल, 2 दिन तक चलने वाली बैठक में विधानसभा चुनाव पर होगा महामंथन। यूरोपीय संघ के 23 सदस्य आज कश्मीर जाएंगे, डीडीसी चुनाव के बाद कश्मीर के हालात की लेंगे जानकारी। जोधपुर जेल में बंद आसाराम की तबियत बिगड़ी, महात्मा गांधी अस्पताल की इमरजेंसी में करवाया गया भर्ती। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगा हरिद्वार में कुंभ, उत्तराखंड सरकार ने किया ऐलान, कुंभ मेले की आधिकारिक अधिसूचना मार्च महीने में ही हो जाएगी जारी। किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटाया गया, उनकी जगह तेलंगाना के राज्यपाल तमिल साई सुंदर राजन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राहुल गांधी आज पुडुचेरी का दौरा करेंगे, विधानसभा चुनाव और पार्टी में मचा घमासान को भी खत्म करने की कोशिश की जाएगी, मछुआरों और स्कूलों के छात्र को संबोधित करेंगे। सीए कानून के खिलाफ दिल्ली हिंसा केस में 1 मार्च तक बढ़ाई गई उमर खालिद और सरजिल इमाम की न्यायिक हिरासत। गुजरात के गोधरा केस में 19 साल बाद बड़ी गिरफ्तारी, मुख्य आरोपियों में से एक रफीक हुसैन गिरफ्तार किया गया है, पंचमहल से पकड़ा गया रफीक। कल फिर बंगाल के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, 24 परगना के काकद्वीप से कोलकाता के लिए परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। 24 घंटे के भीतर ही ममता की मां रसोई ने तोड़ा दम, कोलकाता के चौपसिया में समय से नहीं पहुंचा खाना, खाने के इंतजार में लोगों की लगी लंबी कतार। ममता बनर्जी को लग सकता है एक और झटका, कई बड़े नेता जल्द छोड़ सकते हैं पार्टी। उत्तराखंड के तपोवन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 58 हुई, जबकि अभी भी 148 लोग लापता। उत्तराखंड आपदा के 11वें दिन बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, हादसे के बाद से अभी भी 148 लोग लापता। दक्षिण कश्मीर के बिजबेहरा में आईईडी ब्लास्ट, धमाके से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ डोगरा फ्रंट ने खोला मोर्चा, बस स्टैंड से मिले आईईडी के पीछे बताया पाकिस्तान का हाथ। देश के 188 जिलों में 7 दिनों में नहीं मिला कोरोना संक्रमण का कोई नया केस, हर्षवर्धन बोले अगले महीने से 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगाने की तैयारी है। कोरोना से जंग में जीत की ओर दिल्ली, सिर्फ 1019 एक्टिव केस, 1 की मौत। मध्य प्रदेश के सीधी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, खाई में गिरने से अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी जमीन बेचकर आर्थिक संकट दूर करेगी शिवराज सरकार, लोक संपत्ति विभाग ने 39 संपत्तियों को किया चिन्हित। गुना में आदिवासी महिला के कंधे पर युवक को बिठाकर जुलूस निकालने पर पुलिस सख्त हुई है, सिरसी थाना प्रभारी राकेश शर्मा सस्पेंड, 5 आरोपियों को भेजा गया जेल। केंद्र से चावल उठाव को लेकर जारी विवाद के बीच भूपेश सरकार का बड़ा फैसला, 20,39,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त धान की होगी नीलामी। बाड़मेर से राजस्थान पुलिस ने 50 करोड़ की हेरोइन जब्त की है, सीमा पार पाकिस्तान से 7 किलो हेरोइन की गई सप्लाई, आरोपी से पूछताछ जारी। राजस्थान में स्कूल फीस बढ़ोतरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, कोर्ट में सभी पक्षों को लिखित बहस पेश करने की दी छूट।
पटना के कालिदास रंगाले में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान मंच पर लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं। मंच पर सिक्किम के राज्यपाल समेत कई नामी हस्तियां मौजूद थी। झारखंड के बोकारो में एक तेज रफ्तार ट्रक हुआ बेकाबू, रेलिंग को तोड़ते हुए सड़क की दूसरी तरफ घुसा ट्रक, ट्रक की चपेट में एक कार भी आई। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन का नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, कहा हार को देख बौखलाई दोनों पार्टियां। पटियाला में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया, पुलिस ने कहा धक्का मुक्की करने वाले बाहरी लोग थे। ई कॉमर्स कंपनी बिग बास्केट का 68% हिस्सेदारी खरीदेगा टाटा समूह, ये डील 9,500 करोड़ रुपए यानी कि 1.31 बिलियन डॉलर की होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने एसी क्लास में डिस्पोजेबल ट्रैवल बेडरोल किट की शुरुआत, सोमवार से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस किट की बिक्री हो चुकी है शुरू। पाकिस्तान में बढ़े डीजल और खाद के दाम पर सड़क पर उतरे किसान, किसानों ने दी ट्रैक्टर रैली की चेतावनी। पाकिस्तान ने विदेशी राजनयिकों के सामने उठाया कश्मीर का मुद्दा, भारत ने जताई आपत्ति, कहा जम्मू कश्मीर भारत के अभिन्न अंग, ये भारत का आंतरिक मामला है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली का आरोप, बोले समानांतर सरकार बनाने की कोशिश में थे एनसीपी के कुछ नेता। म्यांमार में सेना के खिलाफ अब बहुत भिक्षुकों ने किया प्रदर्शन, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सेना के खिलाफ की नारेबाजी। ग्रीस में भारी बर्फबारी ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बर्फ की वजह से हाईवे और पहाड़ों पर सफेद चादर बिछी। फिनलैंड में लोगों ने बर्फबारी का जमकर उठाया लुत्फ, बर्फ से लदे पहाड़ों पर लोगों ने जमकर की मस्ती।